नमस्ते। जल्दी ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट्स। बस जस्ट आफ्टर 30 सेकेंड्स मैं स्टार्ट कर दूंगा। नमस्ते बेटा शिवम। नमस्ते नमस्ते बेटा। चलिए सेट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सेट चैप्टर में अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको, नमस्ते बेटा सबको, राम राम बेटे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब सेट्स, जैसे कोई सेट है दिया हुआ है 1 2 3 इसके सब सेट्स 5, ठीक है। 1 जानते हैं आप, 1 लिखते हैं और फिर उसके बाद 2 के बाद 3, फिर 1 2 2 3 1 3 और फिर लास्ट में 1 2 3 तीन है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला लगता है, अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स होंगे, 2 पावर 3 यानी कि आपके 8 सबसेट्स आ जाएंगे। अभी मैंने एक एक लिया है, फिर आप दो दो लेंगे और फिर लास्ट में तीन के तीन आएंगे, 5 को ना भूलें आप। तो ये तो हो गई सबसेट्स की कहानी, ठीक है। दूसरी चीज आपको जो आनी चाहिए वो बेटा आपको ये आनी चाहिए, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अगर आपको यूनिवर्सल सेट दिया है तो। बहुत ईजी है, जैसे एलसीएम एचसीएफ होता है बिल्कुल उसी की तरह होता है, ठीक है, उसी की तरह होता है। यूनियन बी, और देखिए चैप्टर नंबर 3 मैं आपको पहले बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी है वो हमेशा से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज वाइज जो डिग्री का आप कन्वर्जन करते हो, किसमें, रेडियन में, और रेडियन का डिग्री में, मेरे कहने का मतलब है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 1 2 एंड 3 तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैसे चेंज होते हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर मैंने बता दिया 3.1 में शुरू के 3 क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, और एल इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 होता है। ये तो तब होता है जब थीटा डिग्री में हो, किसमें हो, डिग्री में, और एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर थीटा, अगर थीटा किसमें दिया हो, रेडियन में, क्यों, क्योंकि पाई 180 डिग्री होता है, तो इसको कैंसिल आउट कर देता है। इस फार्मूले का भी आप लोग ख्याल रखिएगा बेटा। एक्सरसाइज 3.2, जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, ध्यान रखिएगा शुरू के 5 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे कॉट साइन सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5 दिया है, ध्यान देना, और किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेक जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हाइपोटेन्यूज है ये बेस है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 12। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी चीजें, जैसे कोई बच्चा कहे कि सर साइन एक्स क्या होगा, तो साइन तो पी 12/s 13 होगा लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल सेक एक्स और कॉस एक्स पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप खुद निकाल सकते हो। अब मैं आता हूँ बहुत, जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी वैल्यूज निकालने के लिए कहा जाता है आपसे कि इसकी वैल्यू निकालिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है हर बार,
एग्जाम में उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉसेक जैसे ये दिया है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, ऐसे केस मैंने अब कहा कि जब बड़ी की वैल्यू दी हो, 360 से ज्यादा की वैल्यू दी हो, 360 डिग्री से ज्यादा की वैल्यू दी है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। आप 360 की टेबल पढ़िए, 360, 720, 1080, 1440, 360 की टेबल होती बेटा। ये देखो, ये टेबल आपको याद रखनी चाहिए, मुझवानी ये होती है, ये आपको बहुत काम आएगी, ठीक है ना। और अब ये किसके पास आ रहा है? इसके पास आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, कॉस है 1440 लिखिए, और ये जैसे लिखा है बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली ये 2π होता है, ये 4π होता है, ये 6π होता है, 8π होता है, ठीक है, ये 10π होता है, और ये आपका 12π, यानी 2π के मल्टीपल्स में एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने लिख तो दिया लेकिन आपका काम बन गया। कैसे? अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉसेक 30, कॉसेक 30 मतलब 1/sin 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, योर आंसर इज 2। तो ध्यान रखें, बड़ी वैल्यू का आंसर निकालने के लिए आ सकता है। 3.3 से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसमें से कम एक क्वेश्चन हर बार आता है, लेकिन एक बात का आप ख्याल रखेंगे, क्या चीज ध्यान दीजिए, साइन 15, टेन 75, इस तरह से कुछ आ गया तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? ध्यान दीजिए, साइन 15 आया तो साइन 45 माइनस 30 लिख दिया आपने, साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये है, तो इसको आपने 45 प्लस 30 लिख दिया, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई हो गया। आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है टेन पाई वाई 8 की वैल्यू निकालने के लिए। आपको मैं बताना चाहूंगा टेन 2θ क्या होता है, 2 tan θ अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब आप थीटा की जगह, किसकी जगह, थीटा की जगह आप पाई बाई 8 लिख दीजिए, बस जहां जहां थीटा आया है वहां पाई बाई 8 लिख दीजिए। तो टेन 2 × π/8, 2 tan π/8 लिख लिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 8, ये हो जाएगा टेन पाई बाई 4। अब मैं टेन पाई बाई 8 को x ले लेता हूँ, 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1। ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके आप अल्फा बीटा निकाल लीजिएगा, वही आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर टेन पाई बाई 8 की वैल्यू निकालने के लिए आ गई, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया है, तो इस फार्मूले से आप कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके आप इसको कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि अगर तीन वैल्यूज दिए हैं और आपको सॉल्व करना है, तीन वैल्यूज से मेरा मतलब ये है, एक क्वेश्चन के जरिए बताऊँगा तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। ये ले लेता हूँ मैं, तीन वैल्यू दी है तो कैसे आप उसे सॉल्व करेंगे? कोई चीज़ सॉल्व करने के लिए आ गई, प्रूफ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जैसे तीन वैल्यू दी हैं, कॉस 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। तो एक बताई है आपको, क्लास में कई बार बताया है, बताया जाता है, वीडियो में जो मैंने बताए हैं बनाए हैं उससे मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को एक साथ ले लीजिए, ठीक है, और सेम यही चीज आप डिनोमिनेटर में भी कीजिए। अब आप कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है, 2 cos, दोनों को ऐड करो, 4 + 2 = 6 डिवाइडेड बाई 2 3x, फिर माइनस करो कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2x प्लस कॉस, ये आपका जो बचा था ये 3x था, 3x डिनोमिनेटर में आइए, साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना चाहिए, 2 sin, दोनों को जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए 3x, फिर कॉस
सब्ट्रैक्ट कीजिए, टू से डिवाइड कीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन टू एक्स, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थ्री एक्स, तो क्या बचेगा, कॉस थ्री एक्स कॉमन लेने के बाद टू कॉस एक्स प्लस वन, नीचे नीचे आप कॉमन लीजिए, नीचे क्या कॉमन आएगा आपका, साइन थ्री एक्स बचेगा, सॉरी यहाँ मुझे थ्री एक्स लिखना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा सबसे छोटा लिया था ना, तो साइन थ्री एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा टू कॉस एक्स प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कॉट थ्री एक्स। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फार्मूला याद रहना चाहिए। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले आपसे ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा जब तीन क्वांटिटी दी हों तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप एक साथ ले लेंगे, उसके बाद आप उसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब आते बेटा आगे जो चैप्टर दिया हुआ है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इजी है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या तैयारी करोगे आप, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में सबको मालूम है आई पावर फोर, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई पावर फोर इज इक्वल टू वन होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया है इसकी वैल्यू पता करो, हाँ जी कोई बात नहीं है, मैंने बताया है वन आपको याद दिला दूं, फोर से आप डिवाइड करेंगे, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर वन जा फोर, रिमाइंडर क्या है वन, आई पावर फोर पावर थर्टी वन, आई केवल एक बच्चा है आई पावर वन, यहाँ पे ऐसे करोगे आई पावर फोर, इसको आप डिवाइड करोगे वन थर्टी को, अगर आप डिवाइड करोगे फोर से तो क्या आएगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व और फोर टू जा एट और नीचे क्या आएगा टू, तो यहाँ पर तो पावर थर्टी टू आई पावर टू, ऐसे इसको भी डिवाइड कर दोगे, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, केवल यहाँ आई बचेगा, केवल यहाँ आई स्क्वायर बचेगा, ऐसे यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो भाई 440 तो पूरी तरह डिवाइड होता, केवल आई बचेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा टू आई माइनस वन। मेरे कहने का मतलब है इस कंसेप्ट को कैसे लगाते हैं ये आप लोग अच्छी तरह देख लेना, एक क्वेश्चन इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर में 100% आएगा। अब कुछ चीज़ें ध्यान से देखिए, आप तीन चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 माइनस फोर आई, ठीक है, इसका मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, मॉडुलस 3 स्क्वायर आई नहीं ए, भाई ए प्लस आई बी दिया है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मॉडुलस होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, 5 आ गया। इसका आपसे अगर पूछा जाए कॉन्जुगेट क्या है, कोई बच्चा बताएगा कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट निकालते समय सिर्फ आई वाले पोर्शन का साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस है तो 3 प्लस 4 आई। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप 3 माइनस 4 आई कैसे निकालोगे, 1 अपॉन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी का निकालना होता है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1 अपॉन 3 माइनस 4 आई, ठीक है। अब यहीं पर छोड़ना नहीं है, इसको सॉल्व करना है भाई, रेशनलाइज कीजिए, ऊपर 3 प्लस 4 आई बचेगा, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 प्लस 4 आई 9 प्लस 16 आपका आंसर आ गया 3 प्लस 4 आई अपॉन 25 और आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 4 अपॉन 25 इंटू आई। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि ये जो कॉन्जुगेट आप निकालते हैं और ये जो कॉन्जुगेट को हम जेड बार से डिनोट करते हैं, एक रिलेशन होता है, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका कॉन्जुगेट है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए उसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट जो है उससे आप साइन चेंज कर दीजिए उसका, तो उसे कॉन्जुगेट कहते हैं, उससे आप मल्टीप्लाई, एक प्रॉपर्टी है इसका यूज आएगा,
तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एट्स, स्क्वायर ऑफ एट्स मॉडुलस, मॉडुलस का स्क्वायर आएगा। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटे। कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले भी आपको बताता आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आपका मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3-4 तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पोलर फॉर्म नहीं है, डिलीटेड है, और क्वेश्चन नंबर जिसमें ए प्लस आई बी वगैरह यूज होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, एक क्वेश्चन दिया है इसका मॉडुलस पता करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई 1 प्लस आई, इसका मॉडुलस निकालना है। तो आपने तो कहा कि सर मॉडुलस तो ए प्लस आई बी का जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो इस फॉर्म में दिया नहीं दिया है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस आई और 1 प्लस आई का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 माइनस आई का यहाँ स्क्वायर स्क्वायर हो जाएंगे, ओपन करोगे 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई माइनस यहाँ 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई, ठीक है। नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटे 1 आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, यहाँ केवल 2 आई बचेगा, यहाँ भी कट जाएगा प्लस 2 आई अपॉन आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 2 आई प्लस 2 आई कितना हो गया 4 आई अपॉन 2, क्या आ गया 2 आई आ गया। अब 2 आई का मॉडुलस आएगा अंडर रूट 4, क्या आएगा अंडर रूट 4 मतलब इसका मॉडुलस आपका 2 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दिया है, मतलब डायरेक्ट आपको ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं दिया है, तो पहले आप उसे ए भी आ सकता है क्वेश्चन कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो आप एलसीएम ले सकते हो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं क्लास 9 की लैंग्वेज में बोलूँ तो आप उसे रेशनलाइज कर सकते हो, मतलब डिनोमिनेटर से आई को हटाना होता है आपको, ठीक है। ए कॉम्प्लेक्स, देखिए लीनियर इक्वलिटीज़ में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको सब कुछ आता है, आई नो वेरी वेल, आप लीनियर इक्वलिटीज सॉल्व कर लेते हो बेटे, बस एक चीज़ थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा और आप मुझे बताएं जरा कमेंट सेक्शन में, अगर ऐसी कंडीशन दी है बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। कोई बोलेगा राम राम बेटा, राम राम सबको। हाँ बेटे मेरा सवाल है, अगर ऐसा दिया है एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बोलें आप। यही चीज़ मैं लीनियर इक्वलिटीज का जो क्वेश्चन आएगा, 4 लेस देन और ग्रेटर देन, बेटा सचिन लेस देन और ग्रेटर देन, बड़ा सवाल है ना, इज इक्वल टू का साइन थोड़ी लगा है, लेस देन और ग्रेटर देन, 4 आएगा, आई एग्री विद यू, लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जल्दी से। नहीं नहीं प्लस माइनस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, प्लस 4 आएगा, चलो मैंने बोल दिया प्लस 4 आएगा, लेस देन का साइन आएगा एक्स लेस देन 4 की आर ग्रेटर देन, लेस देन और कोई ग्रेटर देन, देखिए दो लोगों ने अलग अलग बात बता दी, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया है कि बेटे -8 छोटा होता है किससे, -6 से, माइनस में जो बड़ा होता है छोटा होता है, लेकिन आप लोग करते क्या हो कि सर ये माइनस से माइनस काटते हैं तो क्या 8-6 से छोटा हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। जिस चीज की आप वैल्यू निकालना चाहते हो अगर वो चीज माइनस में है जो मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरी बात को पकड़ना, हाँ तो -1 का मल्टीप्लाई करो, इसका -1 का इसमें भी करो तो हो जाएगा 4x और ये पलट जाएगा, ये अब आपके लिए ये बन गया। तो लीनियर इक्वलिटीज में एक क्वेश्चन अगर आएगा
तो वहाँ पर ये चीज़ यूज होगी। अब मुझे मालूम है आप सब कुछ कर लोगे और सब कुछ करने के बाद आपसे एक गलती हो जाएगी, लास्ट में माइनस माइनस बचेगा, अब काट दोगे, फिर क्या फ़ायदा। ग्रेटर देन, बिल्कुल सही जवाब है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, इसका सही जवाब होगा। लीनियर इक्वलिटीज का एक क्वेश्चन आपका ये आएगा, और कोई भी है जैसे कि आप कर लेना, बता देता हूँ आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा, दो तीन क्वेश्चन कर लेना, बस इस बात का ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको बात बताने की कोशिश की है कि काटना मत, ऐसे डायरेक्ट नहीं काटना है, अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हो वो अगर माइनस में, वो अगर माइनस में है तो ज़बरदस्ती नहीं, तो माइनस वन का मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी साइन लग रहा है उसको पलट दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना आप, जो आपके पहली एक्सरसाइज दी है ना 6.1 में, पहली करनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 16 ये आप दो कर लेंगे, दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं बेटे। बेटे मैं परमुटेशन कम्बिनेशन में सिर्फ आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, वो क्या बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको NPR, एक क्वेश्चन इस तरीके का आपने देखा होगा कि 1/6 × 1/7 × x/8, तो x की वैल्यू पता करो, ये आप सर्च कर लेना, देख लेना, समझ लेना। NPR क्या होता है, n × n − r, NCR क्या होता है, n × r − r। अब इसके एप्लीकेशंस जो दिए हुए हैं, इसके एप्लीकेशन भी दिए हुए हैं जो आपको यूज करने हैं, मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस एक्सरसाइज का, 7.3 का, n − 1 P3, ये आप खुद करेंगे, मैं कुछ नहीं बता सकता, इतना समय नहीं है। P3 NP4 = 1/9, और इसका एक पार्ट और दिया है, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो इसमें दिया हुआ है, परमुटेशन में दिया हुआ है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका कम्बिनेशन में है, कैसा कि कम्बिनेशन वाला, ये दोनों क्वेश्चंस 2NC3 NC2 = 12/1। चलिए इसको भी अपॉन में लिख देते हैं, आप अपने एक्सरसाइज में देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं। मेरा कहना है कि इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और NCR = NCN − R होता है, इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, एक नंबर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। NCR = NCN − R, और जो बड़े वर्ड्स अल्फाबेट के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मिसिसिपी हो गया, एसेसिनेशन हो गया, इन वाले क्वेश्चंस को आप देख लेंगे तो आपका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन कुछ ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर बायनोमियल थ्योरम से क्या आएगा, अब भाई बायनोमियल थ्योरम में है ही क्या, मुझे आप बताइए, बायनोमियल थ्योरम में एक फार्मूला है, केवल एक फार्मूला बेटे, कोई मुझे बताएगा, अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो कितने टर्म आएंगे, बिना एक्सपेंशन किए बताइए कि इसके एक्सपेंशन करने पर कितने टर्म आएंगे, जल्दी बोलिए। ये 5 कौन बोल रहा है, उल्टा चल रहा है क्या भाई, एक ज्यादा आता है, NC0 नहीं आता, एक एक्स्ट्रा आता है बेटा, 7 इज द राइट आंसर, जितना होता उससे एक ज्यादा आता है, फार्मूला एक ही है आपका, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4, पहले वाले का पावर 6, फिर 5, फिर 4,
फिर थ्री दूसरे वाले का पावर, दूसरे वाले का थ्री वाई पावर जीरो, थ्री वाई पावर वन, थ्री वाई देखो ब्रैकेट जरूर लगाना, टू थ्री वाई पावर थ्री ऐसे। और अगर प्लस होता तो सबके साथ एक प्लस प्लस प्लस, लेकिन प्लस माइनस है, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर ऐसे। याद आ गया आपको? अरे इसमें सिमेट्री होती है भाई, सिमेट्री क्लियरली दिखाई दे रही है। एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर। अब कोई बच्चा कहेगी सर मुझे 5C2 की वैल्यू नहीं आती है, समझ लो भाई नहीं आती, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, 2 इंटू 1, तो ऊपर क्या आया 5 इंटू 4 इंटू 3, और नीचे क्या आ गया 6, अब 60 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 10, 10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंशन। क्या आ गया? एक्सपेंशन। कैसे? अब बाई चांस अगर एग्जाम में ऐसे आ गया तो क्या आप नहीं कर पाओगे? देखो अगर ऐसे आ गया तो एक्सपेंशन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? भाई जहां मैंने 2x लिखा है वहां पे x by 2 लिखोगे, जहां मैंने y लिखा वहां y by 3 लिखोगे, बाकी आप ध्यान रखोगे माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि 5c2 की वैल्यू 5c3 के इक्वल होती है, ncr = ncn - r। तो मेरा कहना ये है, अब इसी के ऊपर बेस्ड एक चीज और बनती है कि भाई इसकी वैल्यू पता करो, 98 पावर 5, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लगा दीजिए बाइनोमियल थ्योरम। कोई कह दे सर 103 पावर 6 निकालना है, 100 प्लस 3 पावर 6, लगा दीजिए आप बाइनोमियल थ्योरम, बड़े इजीली निकल हो गया, हो जाएगा बेटा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नहीं बाइनोमियल के ऊपर मैं कुछ वीडियो भी शेयर कर दूंगा, है मेरे पास मटेरियल है। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को मैंने इम्पोर्टेंस दी है मैंने। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा पुनीत, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होगा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटे ये हो गया बाइनोमियल, हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, बाइनोमियल में पुरानी किताब जिसके पास है ध्यान रखे डिलीटेड है। भाई एपी में केवल एक चीज है, इफ ए एन इज इक्वल टू दिस फाइंड 20 टर्म 15 टर्म, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है पहली वाली एपी में, बाकी सब जीपी के ऊपर है। और जीपी के ऊपर क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले मैं आपको एपी के ऊपर बता दूं कि एपी के ऊपर क्या आ सकता है। एपी आपको नहीं पढ़नी है, पुरानी किताब वाले ध्यान रखें डिलीटेड है। ए एन इज इक्वल टू मान लो दे दिया ऐसे, है ना, और आपसे कह रहा है कि ए 20 पता करो, कुछ नहीं करना है, जहां जहां एन दिया है, जहां जहां एन दिया है वहां बेटा 20 रख दो और कुछ नहीं करना है। 40, एक बात बता रहा हूं, मैंने क्वेश्चन लिया आपकी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ यही वाला पोर्शन करना है। अरे मैं आपको बता दूं क्लियरली, नहीं आप लोग गड़बड़ कर दोगे, मैं आपको क्लियरली बता ही देता हूं कि सिर्फ एक्सरसाइज 9.1 पुरानी बुक वालों को बता रहा हूँ, नई बुक वालों को कोई चिंता करनी नहीं है, 9.1 करना है पुरानी बुक वालों को, 9.2 को टच भी नहीं करना है, और बेटे 9.3 करना है। क्या करना है? जिसमें जीपी दिया है। जीपी के लिए कुछ बातें आपको याद दिला दूं, जीपी के लिए जैसे कि ए एन ए आर एन माइनस वन होता है, ठीक है। अब कई जगह क्या होता है दिक्कत आती है आप लोगों को, जैसे कि ठीक है अब ये जीपी में है, कैसे पता करेंगे कि ये जीपी में है? भाई ए टू अपॉन ए वन कीजिए बेटा, कर लिया सर, डिवाइड कीजिए, करने का तरीका ये है, इससे 3 टाइम जाता है रूट 3, फिर आप ए थ्री अपॉन ए टू करो बेटा,
कर लिया सर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ लेना है। 63 पहले 3 से काटते हैं, फिर से वही रूट 3 आ गया। तो इसका जो है आर जो है रूट 3 है, आर क्या है रूट 3 है। अब कोई तर पूछता है भाई इसका ना आप दसवां क्रम पता करो, ए आर पावर 9, ए क्या है अंडर रूट 21, आर क्या है रूट 3 पावर 9, सॉल्व कर लोगे आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेन चीज जो है वो आपका एस एन के ऊपर आता है, एस एन के इसके दो फार्मूले होते हैं, कौन से दो फार्मूले होते हैं, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और एक और होता है ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। ये तब लगता है जब आर ग्रेटर देन वन हो, और ये तब लगता है आर लेस देन वन हो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा 100% एक क्वेश्चन आएगा एस एन के ऊपर, ठीक है। देखिए केवल 10 बच्चे आए हैं, बाकी लोगों की तैयारी हो गई, आप लोगों की तैयारी नहीं हुई है, बाकी लोग पूरी तरह एनसीईआरटी तैयार कर लिए हैं बढ़िया तरीके से। आपको मैं और बताना चाहूँगा, आपकी एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, इस पर भी थोड़ा सा है ना एंड टर्म तक देख लीजिएगा कैसे होगा क्या नहीं होगा। ये हो गया आपका जीपी, बेटे यहां तक आप करें, इसके बाद बचता है आपका कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड, इसके बाद चैप्टर क्या बचते हैं आपके, यहां तक करें आप, और इसके अलावा अगर आपको टाइम यहां तक तो अभी आप करें जो मैंने आपको बताया है, स्ट्रेट लाइन के जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म हैं, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, वाई माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इजिकल टू वन, ये सारे आप एक बार जितने भी है ना टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन हैं उनको आप देख लें, ठीक है। हाँ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, है ना, चार पांच किस्म के दिए हुए हैं, और स्लोप के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आएगा। स्लोप आप जानते हो ना, अगर एंगल में दिया हो तो टेन थीटा निकालते हैं, जैसे 135 दिया है, फार्मूले किसके, नहीं मैं आऊँगा एक बार और लाइव आऊँगा शाम को, तो मैं आपको कॉनिक सेक्शन के बता तो दिया था कॉनिक सेक्शन का, चलिए मैं कॉनिक सेक्शन में, तो चलिए पैराबोला, पैराबोला का मैं समझ रहा हूँ आप, पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला के फार्मूलों के मैं अभी भेजने की कोशिश करता हूँ आपको। स्ट्रेट लाइन में तो केवल चार पांच टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन के इक्वेशन है, तो मैं जब शाम को लाइव आऊँगा तो आपको ये फार्मूले तो मैं अभी आपको सेंड कर दूँगा, ग्रुप में शेयर कर दूँगा। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर कॉनिक सेक्शन में, जिसमें एक सर्किल है, पैराबोला है, एलिप्स और हाइपरबोला है, और बहुत इजी चैप्टर, आप खुद करने की कोशिश करना। क्या हाँ शाम का टाइम बेटा रहेगा आपका ऐसे 8 बजे सही रहेगा, 8 PM 8 बजे सही रहेगा बेटे, कोई दिक्कत 8 बजे में सो तो नहीं जाओगे, 8 बजे आ जाऊँ शाम को, हाँ जी हाँ 8 PM पर आऊँगा, और मैं जो बची हुई चीज़ है उसको बताऊँगा, और कुछ चीज़ें तो आपको आती हैं जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने आता है, प्रोडक्ट रूल आता है, कोशेंट रूल आता है, लिमिट आता है, ये सारी चीज़ें तो सबके क्वेश्चंस आएंगे भाई, इसका डिस्कशन मैं करूँगा रात के 8 बजे जब आऊँगा लाइव में, तो बाकी बचा हुआ जो है उसका डिस्कशन करूँगा। अभी जो आपको बताया उसको आप कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, इसके क्वेश्चंस, बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, जो चीज़ें बताई हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, रात को 8 बजे आता हूँ, और बाकी बची हुई चीज़ को मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।